one brand which provide innovation for everyone and is a fast growing India's number one brand, that is Xiaomi. Xiaomi के product Chinese थे but अभी ये Indian है. मैं कैसे कह रहा हूँ, क्योंकि 99% of smartphones, 85% of MITVs, power banks, adapters, etc. they are sold in India and are made in India. और वैसे भी इंडिया के अंदर Xiaomi के 7 smartphone plants हैं और उसकी जो factories हैं उसमें 30,000 से ज़्यादा लोग काम करते हैं जिनमें 95% से ज़्यादा वुमन हैं. सो दीज Xiaomi प्रोडक्ट्स आर द इंडियन प्रोडक्ट्स. इस वीडियो में मैं आपको 10 डिफरेंट Xiaomi प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगा जिनका प्राइस रीजनेबल है पर क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, और इवन इन प्रोडक्ट्स को मैंने परचेज किया है और उनको यूज़ किया है. सो आई विल टेल यू बेटर. दिस इज हुसैन, वेलकम टू आवर चैनल, चेक इट आउट. फर्स्ट Xiaomi प्रोडक्ट है वो है MI पावर बैंक 2i जिसकी बैटरी 20,000 mAh मिली एम्पेयर आर बैटरी है और ये मेड इन इंडिया है. इसके बहुत सारे अपडेट आए हैं जिसके बारे में मैं अभी बताता हूँ. पहले इसके बारे में बता दूँ, ये आप यहाँ पे लिखा है टू वे क्विक चार्ज लिथियम पॉलीमर बैटरी है इसमें और एंटी स्लिप स्क्रैच रेसिस्टेंट है. मतलब जितने भी अपडेट भी इसके आए हैं उसमें भी लिथियम पॉलीमर बैटरी ही है, ठीक है. और इस पावर बैंक के साथ मुझे क्या कुछ मिला था, यूज़र मैनुअल मिला, मुझे पावर बैंक मिला और उसके साथ माइक्रो यूएसबी केबल मिली थी. यहाँ पे एमआई की बैजिंग है, यहाँ पे 20,000 एमएएच बैटरी लिखी हुई है बैक साइड पे. अगर हम इस साइड देखें तो यहाँ पे ये पावर बटन है. ये इसका काम क्या है, पावर बटन का काम होता है कि हमने अगर पावर बैंक की बैटरी चेक करनी हो कि कितनी बैटरी अभी अवेलेबल है, तो अगर आप यहाँ पर देख सकते हो प्रेस किया तो यहाँ पे 4 इंडिकेटर हैं पर इस टाइम अभी 2 ब्लिंक कर रहे हैं, डेट मीन्स अभी फुली चार्ज नहीं हुआ है. और एक और चीज़ के लिए ये पावर बैंक यूज़ करते हैं कि आपको पता है कि ये पावर बैंक हाई पावर प्रोवाइड कर रहा है, तो अगर आपने लो पावर डिवाइस जैसे एयरफोन या बैंड को कनेक्ट करना हो तो अगर हाई पावर के साथ कनेक्ट करोगे तो उनके डैमेज होने के चांसेस हो जाते हैं. सो आप क्या करोगे, अगर आपने लो पावर डिवाइस को इसके साथ कनेक्ट करना है तो आपने 2 टाइम इस पावर बटन को प्रेस करना है. जब आप 2 टाइम प्रेस करोगे तो आप देख सकते हो 1 ब्लिंक कर रहा है, फिर 2 ब्लिंक कर रहा है, मतलब अभी ये लो पावर प्रोवाइड करेगा टू लो पावर डिवाइस और वो आराम से कनेक्ट हो पाएंगे. अगर आप इस फ्रंट साइड में देखो तो राइट साइड और लेफ्ट साइड में यूएसबी ए आउटपुट पोर्ट हैं. आउटपुट पोर्ट का मतलब है कि इसके साथ डाटा वायर कनेक्ट करके आप 2 अलग अलग डिवाइसेस को चार्ज कर सकते हो और 18 वाट फास्ट चार्जिंग से ये चार्ज करता है. 18 वाट फास्ट चार्जिंग का मतलब ये नहीं है कि पावर बैंक जो है इतनी स्पीड में चार्ज होता है, नहीं, 18 वाट फास्ट चार्जिंग का मतलब है जो डिवाइसेस आप कनेक्ट करोगे वो 18 वाट की स्पीड से फास्ट चार्ज होंगे. और सेंटर में आप देख सकते हो ये माइक्रो यूएसबी पोर्ट है, इनपुट पोर्ट है पावर बैंक को चार्ज करने के लिए, जो कि ये जो माइक्रो यूएसबी केबल दी है उसके साथ आप इस पावर बैंक को चार्ज कर सकते हो. और बाकी इसका प्राइस, 3 साल पहले मैंने ये लिया था, इसका प्राइस था 1,500 रुपीज़. इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इस पावर बैंक को यूज़ करते वक्त, क्योंकि 18 वाट की फास्ट चार्जिंग है तो जल्दी चार्ज हो जाता था. पर एक प्रॉब्लम मुझे होती थी कि इसको पावर बैंक को चार्ज करने में मुझे 8 आवर्स लग जाते थे, क्योंकि यहाँ पे टाइप सी पोर्ट नहीं अवेलेबल थी, माइक्रो यूएसबी पोर्ट अवेलेबल थी, तो बाकी सब ठीक था. फर्स्ट अपडेट ऑफ पावर बैंक इज MI पावर बैंक 3i. मेरे पास 2i है, वो है 3i. अब दोनों में सिमिलैरिटीज़ हैं, 3 सिमिलैरिटीज़ हैं. पहली, इसमें भी 18 वाट फास्ट चार्जिंग होती थी, उसमें भी 18 वाट फास्ट चार्जिंग है. इसकी बैटरी 20,000 mAh थी, उसकी भी 20,000 mAh है, और ये भी लिथियम पॉलीमर बैटरी का बना है, वो भी लिथियम पॉलीमर बैटरी का बना है. डिफरेंस कहाँ पे है, डिफरेंस है 3i के पोर्ट्स में, ये आउटपुट और इनपुट पोर्ट्स में. इसमें आउटपुट पोर्ट कितना था, 2i में 2 यूएसबी ए आउटपुट पोर्ट थे, उसमें ट्रिपल आउटपुट पोर्ट है. 2 यूएसबी ए पोर्ट तो हैं उसमें, एक उसमें टाइप सी पोर्ट है जिसको यूएसबी सी पोर्ट भी बोलते हैं, और वहाँ पे फिर इसका मतलब 3 डिवाइसेस को आप एक टाइम पे चार्ज कर सकते हो. और टाइप सी से कैसे, टाइप सी टू टाइप सी चार्जिंग कर सकते हो. और इसमें 2i में कितने इनपुट पोर्ट थे, सिंगल माइक्रो यूएसबी पोर्ट था, उसमें ड्यूअल इनपुट पोर्ट है, एक माइक्रो यूएसबी तो है उसमें और उसके साथ टाइप सी पोर्ट भी है,
और वो टाइप सी पोर्ट आउटपुट की तरह एक्ट भी करता है और इनपुट की तरह भी एक्ट करता है। मतलब अगर आप टाइप सी के साथ इस पावर बैंक को चार्ज करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, और स्पेशली तब जल्दी चार्ज होगा अगर आप अच्छा चार्जर, फास्ट चार्जर, 18 वाट का फास्ट चार्जर यूज़ करोगे, तो अंडर 7 आवर के अंदर ये पावर बैंक आराम से चार्ज हो जाएगा। और 3i जो अपडेट आया है उसमें एडवांस्ड 12 लेयर सर्किट प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। मतलब अगर अंडर वोल्टेज हो, ओवर वोल्टेज हो, ओवर करंट हो, ओवर हीट हो, उसकी प्रोटेक्शन पूरी देता है। और उसके साथ क्या कुछ मिला था, एक पावर बैंक मिला है, एक यूज़र मैनुअल मिला है, एक टाइप सी केबल मिली है जिसको USB-C केबल भी बोलते हैं। और इसका प्राइस कितना है 3i का, इसका MI स्टोर में प्राइस है 1699 रुपीज़, मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 1700 रुपीज़। पावर बैंक का सेकेंड अपडेट है, उसका नाम है MI पॉकेट पावर बैंक प्रो। इसमें और 3i में ज़्यादातर फीचर सेम है, पर डिफरेंस क्या क्या है। पहला डिफरेंस है इसका स्मॉल साइज, पॉकेट साइज, जिसमें आराम से आप पॉकेट में डाल सकते हो। सेकेंड डिफरेंस है अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग। 3i में कितना था चार्जिंग, 18 वाट फास्ट चार्जिंग थी, इसमें 22.5 वाट अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड करता है। थर्ड डिफरेंस है बैटरी में, 3i में कितनी बैटरी थी, 20,000 mAh बैटरी प्रोवाइड करता था, इसमें बैटरी कम है, 10,000 mAh बैटरी है। और इसका प्राइस है MI स्टोर में 1,199 रुपीज़, अप्रॉक्सीमेटली 1200 रुपीज़। पावर बैंक का थर्ड अपडेट है MI वायरलेस पावर बैंक। इसमें बैटरी है 10,000 mAh बैटरी होती है, QI सर्टिफाइड होता है, मीन्स वायरलेस सपोर्ट है। इसमें दो तरीके से चार्जिंग होती है, एक वायरलेस और एक वायर्ड। इसका मतलब इसमें दो आउटपुट पोर्ट होते हैं, तीन नहीं होते। एक आउटपुट पोर्ट वायरलेस को सपोर्ट करता है, एक आउटपुट पोर्ट वाइड को। वायरलेस कैसा होता है कि जैसे आपने पावर बैंक के ऊपर मोबाइल को रख दिया ऊपर, और चार्जिंग स्टार्ट हो गई वायरलेस, और वो उसकी स्पीड कितनी होती है, 10 वाट फास्ट चार्जिंग होती है वायरलेस। और जो वाइड होती है वो आगे को एक आउटपुट पोर्ट होता है, USB-A पोर्ट, उसमें आप वायर्ड चार्जिंग कर सकते हो, और उसकी स्पीड 18 वाट फास्ट चार्जिंग होती है। इसके अलावा इसमें एडवांस्ड 12 लेयर सर्किट प्रोटेक्शन होता है, सेम ऐसे 3i, ऐसे ही लिथियम पॉलीमर बैटरी का ये बना हुआ है। और इसके साथ क्या कुछ मिलता है, एक यूज़र मैनुअल, एक वायरलेस पावर बैंक मिला, और एक टाइप सी केबल मिलती है साथ। और इसका प्राइस MI स्टोर में कितना है, 2499 रुपीज़, मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 2500 रुपीज़। पावर बैंक का लास्ट अपडेट है, उसका नाम है MI बूस्ट प्रो पावर बैंक। इसकी बैटरी सबसे ज़्यादा है, मैसिव बैटरी है, 30,000 mAh बैटरी है। 3i पावर बैंक और इसमें चार सिमिलैरिटीज़ हैं। पहली 18 वाट फास्ट चार्जिंग दोनों में थी। सेकंड, ट्रिपल आउटपुट पोर्ट, इसमें भी वही है कि दो USB-A पोर्ट हैं और एक टाइप सी पोर्ट है। और थर्ड है, थर्ड सिमिलैरिटी, ड्यूल इनपुट पोर्ट, एक माइक्रो USB पोर्ट है, एक टाइप सी पोर्ट है। और फोर्थ, लिथियम पॉलीमर बैटरी, उसमें भी थी, इसमें भी थी। अब डिफरेंसेस क्या है, डिफरेंसेस सबसे बड़ा तो यह है कि बैटरी का 30,000 mAh बैटरी है। दूसरा है कि पावर बैंक जो है उसको आप 24 वाट फास्ट चार्जिंग की स्पीड से पावर बैंक को आप चार्ज कर सकते हो, मतलब उसकी इनपुट की स्पीड 24 वाट फास्ट चार्जिंग है। थर्ड, ये एडवांस्ड 16 लेयर सर्किट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, बल्कि बाकी 12 लेयर सर्किट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे। इसके अलावा ये पावर डिलीवरी 3.0 इसमें है, वो सपोर्ट करती है टाइप सी टू टाइप सी चार्जिंग, ठीक है। इसके अलावा आपको अगर फास्ट चार्जर यूज़ कर रहे हो, अगर 18 वाट का फास्ट चार्जर यूज़ कर रहे हो, तो आराम से 7.5 घंटे के अंदर आप इस पावर बैंक को फुली चार्ज कर सकते हो। हमें इसके साथ क्या कुछ मिलता है, हमें इसके साथ मिलता है एक यूज़र मैनुअल, एक पावर बैंक और एक माइक्रो USB केबल। बड़ी कमाल की चीज़ है, इसके साथ टाइप सी केबल देनी चाहिए थी, इन्होंने माइक्रो USB केबल दे रहे हैं साथ। एक और प्रॉब्लम इसमें आई कि अगर फ्लाइट्स में आपने जाना है तो ये वाला पावर बैंक अलाउड नहीं है, 30,000 mAh बैटरी वाले पावर बैंक अलाउड नहीं होते फ्लाइट्स में। और इसका प्राइस कितना है, 2,299 रुपीज़, मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 2,300 रुपीज़ है। सेकेंड Xiaomi प्रोडक्ट है, वो है चार्जर। मेरे पास है MI का 18 वाट का ड्यूल पोर्ट चार्जर। ये अगर एक डिवाइस को आप चार्ज करते हो इसमें तो 18 वाट की स्पीड प्रोवाइड करता है ये। अगर दो डिवाइसेस को आप चार्ज कर रहे हो दोनों पोर्ट में, तो ये 9 वाट की स्पीड प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इसके अलावा ये 5 लेयर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, मींस ओवर करंट, ओवर हीट, अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। और इसका प्राइस जो है वो 599 रुपीज़ है। चार्जर के भी काफ़ी अपडेट आए हैं।
फर्स्ट अपडेट है MI 27W सोनिक चार्ज अडेप्टर, ये सपोर्ट करता है क्वालकम क्विक चार्ज 3.0 को। उसमें सिंगल पोर्ट ही है, हमारे वाले में 18W वाले में ड्यूअल पोर्ट था, उसमें सिंगल पोर्ट ही अवेलेबल है। और वो 10 लेयर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और उससे आप स्मार्टफोन, टैबलेट और बहुत सारे डिवाइसेस को चार्ज कर सकते हो। उसका प्राइस है 499 रुपीज़। चार्जर का सेकेंड अपडेट है MI 33W सोनिक चार्ज 2.0 चार्जर कॉम्बो, ये भी सपोर्ट करता है क्वालकम क्विक चार्ज 3.0 को। पॉलीकार्बोनेट मटेरियल का बना हुआ है, ये यूनिवर्सल सपोर्ट करता है, मींस 100 वोल्ट से लेकर 240 वोल्ट तक ये सपोर्ट करता है। और हमें 18 वाट का चाहे चार्जर हो चाहे 27 वाट का चार्जर, उसके साथ हमें बस अडेप्टर मिला, पर इसके साथ 33 वाट चार्जर के साथ हमें 100 सेंटीमीटर की टाइप सी केबल भी मिलती है साथ, और इसका प्राइस है 999 रुपीज़। चार्जर का लास्ट अपडेट है वो है MI 30W वायरलेस चार्जर, इसका प्राइस कितना है, इसका प्राइस है 2299 रुपीज़, मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 2300 रुपीज़। ये QI सर्टिफाइड है, मीन्स वायरलेस सपोर्ट करती है, ये 30W फास्ट वायरलेस चार्जिंग करेगी। इसका आप देख सकते हो कि एर्गोनॉमिक टिल्ट डिज़ाइन है और साइलेंट कूलिंग फैन है फॉर टेम्परेचर कंट्रोल, यूनिवर्सल कंपेटिबिलिटी है और इवन 5 लेयर ऑफ प्रोटेक्शन भी है और फॉरन ऑब्जेक्ट डिटेक्शन भी है। फॉरन ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का मतलब कि अगर आप मोबाइल को चार्ज कर रहे हो, जो ये वायरलेस चार्जर है, इसके सरफेस के ऊपर अगर कोई मेटल ऑब्जेक्ट, चाहे वो की हो, कॉइन हो, अगर वहाँ ऊपर पड़ा है तो ये डिटेक्ट कर लेता है, तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, जो चार्जिंग है उसको स्टॉप कर देगा। तो एक और चीज़ है कि इसके साथ वायरलेस चार्जर के साथ हमें क्या कुछ मिलता है, इसमें एक वायरलेस चार्जर मिला और एक यूज़र मैनुअल, मतलब इसके साथ ना ही कोई अडेप्टर मिलता है ना ही डाटा वायर मिलती है। तो आपको अगर इसको यूज़ करना है तो यू शुड परचेज अ MI 18W चार्जर विद डैट, तभी आप इसको यूज़ कर पाओगे। थर्ड Xiaomi प्रोडक्ट है मोबाइल्स, मेरे पास दो मोबाइल है। फर्स्ट है Redmi Note 6 Pro, ये जो मोबाइल है ये मैंने परचेज़ किया था 3 साल पहले एक स्कीम है 11,000 रुपीज़ में। इसका जो वेरिएंट है मेरे पास वो 4GB 64GB है, मीन्स 4GB रैम और 64GB स्टोरेज। और इसमें आप देख सकते हो कि इसका सेल्फी कैमरा कितना है, 20+2 मेगापिक्सल, रियर कैमरा 12+5 मेगापिक्सल। इसमें डिस्प्ले 6.26 इंच है, फुल HD प्लस है और स्नैपड्रैगन 636 प्रोसेसर उस टाइम पे अवेलेबल था। और सेकंड मोबाइल जो मेरे पास है वो है MI का मैक्स 2, मीन्स ये मैंने 16,000 रुपीज़ का उस टाइम पे 3 साल पहले इसको परचेज़ किया था। इसकी डिस्प्ले 6.44 इंच है और उस टाइम पे इतनी मैसी बैटरी किसी की नहीं थी, 5300 mAh बैटरी प्रोवाइड कर रहा था। और ये मोबाइल आप देख सकते हो ये मैक्स 2 ही है मेरे पास, मैक्स 2। और अभी 3 साल मैंने यूज़ किया, 3 साल यूज़ करने के बाद मैंने क्या कंक्लूजन निकाला कि ना तो मुझे कोई बैटरी प्रॉब्लम आई, ना कभी हैंगिंग प्रॉब्लम आई, परफॉर्मेंस अभी तक अच्छी है। सो अभी तो ये है भी नहीं, ये 7 Pro, 8 Pro, 9 Pro, 10 Pro अभी है, आप MI स्टोर में चेक कर सकते हो। सो इफ़ यू वांट टू परचेज एनी ऑफ द सीरीज ऑफ Redmi, यू जस्ट गो फॉर इट। फोर्थ Xiaomi प्रोडक्ट है वो है MI स्मार्ट बैंड 4, इसको मैंने 2 साल पहले परचेज किया था। इसका प्राइस तब था 2300 रुपीज़, अभी तो डाउन हो के इसका प्राइस जो है वो हो गया है 1999 रुपीज़। इवन इसका अपडेट भी आ गया है MI स्मार्ट बैंड 5 और उसका प्राइस है 2500 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली। इसके रिलेटेड मैंने वीडियो YouTube पे ऑलरेडी अपलोड की हुई है, आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो। फिफ्थ Xiaomi प्रोडक्ट है MI ट्रू वायरलेस एयरफोन्स 2, इसको 2 साल पहले मैंने परचेज़ किया था और मैंने 4000 रुपीज़ में परचेज़ किया था, अभी तो इतना प्राइस कम हो गया है, अभी 3000 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली इसका प्राइस है। और इसके रिलेटेड भी मैंने वीडियो जो है ऑलरेडी अपलोड की है YouTube में, जो कि आप एंड स्क्रीन में, इस वीडियो की एंड स्क्रीन में जाके आप उसको चेक कर सकते हो। सिक्स्थ Xiaomi प्रोडक्ट है वो है MI पोलराइज्ड स्क्वायर सनग्लासेस, ये टैक पोलराइज्ड लेंसेज हैं, ट्राई एसीटेट सेलुलोज पोलराइज्ड लेंसेज। ये UV 400 प्रोटेक्शन करते हैं, मतलब ये ब्लॉक करते हैं हार्मफुल UV रेज, चाहे वो UV ए रेज हो, बी रेज हो या सी रेज हो, अप टू 400 नैनोमीटर तक ये प्रोटेक्ट करते हैं। और ये स्क्रैच कोटिंग होती है इसलिए स्क्रैच रेसिस्टेंट भी है और एडवांस्ड TR90 फ्रेम होता है। इसमें जो फ्रेम होता है वो ब्लैक कलर का होता है और जो लेंस होता है इसमें 2 कलर में अवेलेबल होता है, ग्रे कलर और ब्लू कलर। मेरे पास ब्लू कलर के लेंस वाले सनग्लासेस हैं। और ये इसका MRP कितना है, 999 रुपीज़, पहले भी इतना था अब भी इतना ही है। और इसके साथ मुझे क्या मिला, ये बॉक्स मिला है, इसमें भी देखो MI लिखा हुआ है ऊपर,
और इसमें क्लीनिंग क्लॉथ होगा और ये आपको सनग्लासेस मिल जाते हैं। और सनग्लासेस में अगर आप देखो तो इस साइड MI लिखा हुआ है MI, और सनग्लासेस में क्या है कि एंटी ग्लेयर प्रॉपर्टी है, मीन्स स्ट्रॉन्ग लाइट से ये हमें प्रोटेक्ट करेगा, कंट्रास्ट भी इसका एनहेंस है। और अगर मैं लेंस की बात करूँ तो लेंस वेरी लाइट वेट लेंस होता है और हाईली इम्पैक्ट रेसिस्टेंट है। और इसका अगर फ्रेम की बात करूँ तो ये फ्लेक्सिबल और ड्यूरेबल होते हैं। अगर इसको मैं अगर लगा लेता हूँ तो ये क्या करता है, ये आई स्ट्रेन को रिड्यूस करता है और विजुअल क्लैरिटी को भी इंक्रीज़ करता है। आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये कैसा लग रहा है। सेवंथ शाओमी प्रोडक्ट है वो है MI रोलर बाल पेन। आप देख सकते हो इसका वेट है 19.8 ग्राम और इसका प्राइस 179 रुपीज़ है। और यहाँ पे आप देखो ये 120 डिग्री रिट्रैक्टेबल ट्विस्ट है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे MI का लोगो आप देख सकते हो, MI का बैजिंग है, ठीक है। और ये बेस्ट इन क्लास है, देखो ये डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है, रिलायबल है, ड्यूरेबल है। और इसमें जापानीज़ क्विक ड्राई ब्लैक इंक है, इसमें कलर पेन का वाइट है पर इसमें इंक ब्लैक है, जापानीज़ क्विक ड्राई जो कि बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है। और स्मूथ एंड कंफर्ट राइटिंग है, उसका मैं डेमो ये देख लेता हूँ। ये देखो आप, देख सकते हो। एट्थ शाओमी प्रोडक्ट है वो है MI बियर्ड ट्रिमर IPX7 वॉशेबल बॉडी, मतलब इस ट्रिमर को मैं पानी के साथ वॉश कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और 40 लेंथ सेटिंग्स है इसके अंदर, 90 मिनट कॉर्डलेस यूज़ है, मतलब एक बार इसको चार्ज कर लिया तो 90 मिनट में बिना कोई प्रॉब्लम के इसको यूज़ कर सकता हूँ। सेल्फ शार्पनिंग एबिलिटी, जो सेल्फ शार्पनिंग ब्लेड एबिलिटी है ये बहुत ही कमाल की एबिलिटी है, जिसमें ब्लेड अपने आप को खुद ही शार्प कर लेते हैं। अगर इसके MRP की बात करूँ तो इसका MRP है 1500 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली। अभी इसका प्राइस 1000 कम हुआ है, अभी 1400 रुपीज़ इसका प्राइस है। और इसके साथ मुझे क्या कुछ मिला वो मैं बताता हूँ। मुझे बियर्ड ट्रिमर मिला है, आप देख सकते हो ये। और इसके साथ मुझे कॉम्बिंग मिले हैं, कॉम्ब मिले हैं दो, एक मिला है कॉम्ब शॉर्ट कॉम्ब, एक मिला है लॉन्ग कॉम्ब। शॉर्ट कॉम्ब जो है वो 0.5 मिलीमीटर से लेके 10 मिलीमीटर तक हेयर को ट्रिम करता है, और लॉन्ग कॉम्ब जो है वो 10.5 मिलीमीटर से 20 मिलीमीटर तक हेयर को ट्रिम करता है। और पावरफुल कोड मिली है ये, जिससे मैं चार्ज करूँगा ट्रिमर को। और क्लीनिंग ब्रश मिला है साथ, और एक पाउच मिला है जिसमें मैं ट्रिमर को रख सकता हूँ, ठीक है। और अगर मैं ट्रिमर की बात बताऊँ तो ट्रिमर के ये देखो, ये सेल्फ शार्पनिंग एबिलिटी होती है ब्लेड की, और ये स्टेनलेस स्टील ब्लेड है, ठीक है। और आप देख सकते हो ये 40 लेंथ सेटिंग है, यहाँ पे आप जैसे सेटिंग करना चाहे वैसे कर सकते हैं, 0.5 से लेके आगे चलती है। ये पावर बटन है, यहाँ पे LED इंडिकेटर है, अगर मैं चलाता हूँ तो आपको इंडिकेटर यहाँ नज़र आएगा, ठीक है। ये तीन इंडिकेटर हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे कॉर्ड अटैच करके आप चार्ज करते हो ट्रिमर को, और यहाँ पे MI लिखा हुआ है। और एक बार दिखा दूँ कि कॉम्बिंग कैसे करते हैं, ये देखो आप अगर देख सकते हो तो यहाँ पे इस साइड पे लगा के ये ऐसे करते हैं और पीछे से ही फिर निकाल देते हैं अगर आपने रिमूव करना हो। तो ये पावरफुल बैटरी है इसके अंदर, इसकी परफेक्ट ग्रिप है, अर्गोनॉमिक डिज़ाइन है, आप आराम से इसको यूज़ करके बेड जो है उसको ट्रिम कर सकते हो। और एक और चीज़ इसमें है कि इसमें ट्रैवल लॉक सेफ्टी लॉक भी है, अगर मैं पावर बटन को 3 सेकंड प्रेस करूँगा, आप देखना, हाँ अभी ये ब्लिंक हो रहा है। इससे क्या होगा कि अगर मैं ट्रैवल करता हूँ तो कहीं गलती से ये प्रेस होके स्टार्ट ना हो जाए। अभी देखो, अभी मैं प्रेस करूँगा, नहीं स्टार्ट हो रहा, नहीं हो रहा। पर अगर फिर मैं 3 सेकंड बंद करूँगा तो फिर से ये डीएक्टिवेट हो जाएगा, आप देखो ये स्टार्ट हो गया, ठीक है। और इसके साथ 5 वोल्ट का अडेप्टर यूज़ करना है, क्योंकि उसको आप यूज़ करोगे 5 मिनट के लिए चार्ज करोगे तो 10 मिनट आप यूज़ कर पाओगे। और इवन आप इसको अगर चार्ज नहीं भी है, अगर ये चार्जिंग पे लगा हुआ है तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। 9th Xiaomi प्रोडक्ट है MI सेल्फी स्टिक ट्राइपॉड विद ब्लूटूथ रिमोट शटर, आप देख सकते हो ये ब्लैक कलर का है। इसका वेट 155 ग्राम है, और इसके साथ क्या कुछ मिलता है, एक बस सेल्फी स्टिक मिली और यूज़र मैनुअल मिला, ठीक है। और इसका प्राइस जो है वो है 1100 रुपीज़ के अप्रॉक्सीमेटली, उतना प्राइस है इसका। और अगर आप देखो तो अगर आपने समझ लो कि ग्रुप पिक लेनी है, ग्रुप पिक, तो आप ट्राईपोड स्टैंड, 3 लेग्स हैं इसलिए ट्राईपोड बोला है, आप इसको ऐसे करके रख सकते हो और आप ग्रुप पिक ले सकते हो। और इसका जो नीचे वाला जो यहाँ पे
रबर लगी है, इसकी वजह से ये नॉन स्लिप कुशन डिज़ाइन है, ये स्लिप नहीं होता अगर आप पिक क्लिक कर रहे हो तो। अगर आप सेल्फी की तरह आपने यूज़ करना है तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हो, आपको बताइए। और आप देखोगे ये रोटेट कर देता है ये सारा। और यहाँ पे अल्मीनियम अलॉय का ये बना हुआ है पार्ट, और यहाँ पे ये ब्लूटूथ रिमोट शटर है जो सेपरेबल है, इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। और आप इधर का सीन देखो तो ये फ़ोन होल्डर, यहाँ पे फ़ोन को आप होल्ड करते हो और फ़ोन होल्डर जो है वो 360 डिग्री रोटेट कर सकता है, ठीक है, विद एडजस्टेबल ग्रिप। ये ग्रिप एडजस्टेबल है, जैसे मर्जी आपने सेल्फी लेनी हो आप आराम से ले सकते हो। ये इसमें MI Max 2 जो बिग मोबाइल है उसको भी अटैच कर सकते हो। और अगर यहाँ पे सेपरेबल मैंने कहा ब्लूटूथ है, तो ब्लूटूथ का वर्जन है 3.0, और इसके इधर माइक्रो USB केबल अटैच होगी। ये माइक्रो USB पोर्ट है जिसकी वजह से इसको पहले चार्ज करना होता है, सो डैट ये मोबाइल के साथ बाद में कनेक्ट हो सके, ठीक है। अगर इसको कनेक्ट करना है तो इसको 5 सेकंड के लिए प्रेस करो तो ये ब्लिंक करना शुरू हो जाएगा, तो इसका मतलब कि अभी ये कनेक्ट हो सकता है मोबाइल के साथ। और जब कनेक्ट हो जाए तो बाद में आप कोई भी पिक या वीडियो इसको क्लिक करके आप ले सकते हो। अगर डिस्कनेक्ट करना है फिर प्रेस कर दो और ये डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है। और ये जो ब्लूटूथ है ये कंपैटिबल होता है विद एंड्रॉयड 4.3 और हायर, और विद iOS 5 और हायर जो आईफोन होते हैं, ठीक है। और ये कंपैक्ट और इजी टू कैरी है। कैसे, अगर अब ये ऐसे है आपने इजी टू कैरी करना है तो आप इसको ऐसे करके ऐसे भी कर सकते हो, और नहीं तो फिर इसको सीधा कर लो। सीधा करने के बाद ये ऐसे आप इजी टू कैरी कर सकते हो। 10th एंड लास्ट Xiaomi प्रोडक्ट है MI Backpacks। मेरे पास दो बैकपैक हैं, पहले मैं दिखा दूं। पहला ये ब्लू कलर का है, आप देख सकते हो इसके आगे भी पॉकेट है और अंदर देखो कितनी स्पेस है। इसमें बुक्स जो हैं, इवन लैपटॉप भी आ सकता है, और अंदर एक और पॉकेट है वो भी काफ़ी स्पेशियस है। और अगर आप इसका बैजिंग देखनी है तो ये जिप में ये देखो MI लिखा हुआ है, आगे वाली जिप में भी लिखा हुआ है। और ये जो आगे का पार्ट है ये नायलन हैंडल स्ट्रैप्स हैं, नायलन हैंडल स्ट्रैप्स। और पीछे कुशन बैक सपोर्ट है, और यहाँ पे एडजस्टेबल शोल्डर स्ट्रैप्स हैं। सेकंड बैकपैक है ये वाला, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है MI अर्बन लाइफस्टाइल, वैसे ये MI सिटी बैकपैक है। और इसमें ये दो कलर में मिलता था, डार्क ग्रे और लाइट ग्रे, ये डार्क ग्रे कलर बैकपैक है, ठीक है। और इसका प्राइस जो है ये MI स्टोर में अभी भी है 1600 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली इसका प्राइस है। और आप देख सकते हो कि ये वाटर रेसिस्टेंट है, और ये नॉन स्लिप ये ज़िपर है, स्टाइलिश ज़िपर। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये नायलन का हैंडल स्ट्रैप है, और अगर बैक में देखो तो ये कुशन्ड बैक सपोर्ट है, और यहाँ पे ये एस शेप है, ये कंफर्टेबल एस शेप्ड स्ट्रैप्स हैं विद एडजस्टेबल शोल्डर स्ट्रैप्स, ठीक है। आप देख सकते हो इसमें बहुत स्पेस है। आउटर स्पेस में अगर आप देखूँ तो यहाँ पे देखो कितनी पॉकेट है, अंदर की तरफ भी काफ़ी पॉकेट है। इसमें आप फ़ोन को रख सकते हैं, पावर बैंक को, पेन को, डाटा केबल को, कीज़ को आगे रख सकते हो। और अंदर की अगर बात करूँ, अंदर 4 कंपार्टमेंट हैं, 4 लार्ज कंपार्टमेंट हैं। और अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे देखो ये लैपटॉप की पिक्चर है, यह है टैबलेट की, यहाँ पे लैपटॉप को रखने के लिए जगह बनी हुई है। ये कुशन्ड लैपटॉप सपोर्ट है, अंदर लैपटॉप 14 इंच का लैपटॉप इसके अंदर आ सकता है, और यहाँ पे टैबलेट आती है। और यहाँ पे इस साइड, दूसरी साइड अगर बात करूँ, ये दूसरी साइड, इसके अंदर तो अगर आपने फ़ोन को सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए अंदर रखना है या वैलेट को, पर्स को रखना है, तो अंदर भी कितनी पॉकेट है और स्पेशियस भी बहुत है, ठीक है। अगर आप इसकी राइट साइड में जाएं तो यहाँ पे थिक वेलवेट मटेरियल लगा हुआ है। और यहाँ पे एक और चीज़ आपने देखी होगी, यहाँ पे ये यहाँ पे सनग्लासेस की पिक है कि आपने अगर सनग्लासेस को स्क्रैच से बचाना है तो यहाँ पे अंदर रख लो। और अगर आप लेफ़्ट साइड में आते हो, लेफ़्ट पॉकेट में, तो ये PVC कोटेड है, यहाँ पे ये वाटर रेसिस्टेंट है, इसके अंदर आप वेट अम्ब्रेला या वाटर बॉटल को आप रख सकते हो। तो देखो बहुत जगह है इसमें। तो ये है MI बैकपैक। आई हैव शोड यू 10 Xiaomi प्रोडक्ट्स विच अकॉर्डिंग टू मी आर एक्सीलेंट, एंड देर आर प्लेंटी ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स ऑलरेडी लॉन्च्ड। चेक MI स्टोर फॉर डैट। प्लीज़
प्लीज कमेंट मी अबाउट योर रिस्पॉन्स आफ्टर यूजिंग दीज प्रोडक्ट्स. इफ यू लाइक द वीडियो शेयर इट टू योर फ्रेंड्स रिलेटिव्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. टेक केयर.